मैं आज बताऊंगा कि मैं कितने बैग ले आऊँ। मैं आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बैग लेके आया हूँ। मैं आपको कोलोस्टमी किट लेके आया हूँ। ये तीन बैग है, ये तीन 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 किट है कोलोस्टमी रोमसम का। मैं अब से ये लगभग हमको तो 5-6 महीने उसमें चल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। मैं आप सबके सामने इसको एक बॉक्स खोल के दिखाऊंगा। तो मैं ये बॉक्स लिया है, इसका प्राइस है 296 रुपीज इंडियन। तो इसका एक्सपायरी डेट है 2026। तो इसमें क्या क्या दिए हैं, इसमें 100 पीसेस बैग दिए हैं और एक किट दिया है बैग द्वारा। तो इसमें देखिए कि इसमें बचाने का क्या है। बॉक्स पे आप जब लोगे तो कभी आपको इसमें दिखाएंगे कि आपको इसको धूप में बचाना है। धूप में कहीं पर जा रहे हो तो धूप से थोड़ा बचना है आपको। अगर लगा है तो किट, तो आप बारिश में बचाना है। कहीं पे अगर बाहर हो तो बारिश में भीगना नहीं है, नहीं तो बैग भीग जाएगा। और जब धूप निकलेगी तो इसमें जब भी बैग वगैरह होगे तो धूप में क्या होगी ना, धूप में हमारे जो पसीने होते हैं ना इसमें मतलब थोड़ा स्मेल सी आने लगेगी। इसके लिए बोलता है कि धूप से बचाएं, क्योंकि स्मेल्स दिक्कत होती है ना, दिक्कत हो जाएगी तो इसमें दूसरे नंबर है कि आप इसे बैग को कहीं फेंकिए मत। मतलब कहीं पे अगर आप पब्लिक प्लेस में फेंक रहे हो तो मतलब अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो आप इसे कहीं पे जो लिफाफे होते हैं कहीं पे आप अलग स्थान पे भेजिए, वहाँ कोई जाता ना हो। तो मैं इतने सारे दिए हैं इसके ऊपर, मैं इसको खोलूँगा। मैं तो आपको 100 स्पायर बैग मिल जाएगा। इसमें से 100 स्पायर बैग हैं, मतलब छोटी छोटी लिफाफे लग हैं, 100 पीसेस में। 100 पीसेस में बराबर आप एक लिफाफा अगर एक दिन में दो चलाते हैं तो आपको बिजली दो महीने चल जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दिन में दो बार चेंज करना पड़ता है अगर हमारे खाने के हिसाब से। तो ये हमारा रहा स्पैर बैग है और ये काफ़ी सॉफ्ट और नॉर्मल है। और इसमें एक ये रहता है हमारा कोलोस्टमी किट है, सॉरी। तो इसमें आपको ये किट दिया जाता है, आपको इसमें तीन लेयर रहती हैं। एक तो हो गया हमारा वही हो गया जो हमारी स्किन लेयर पे रहती है, और ये हमारा हो गया। तो अगर आपको ना इसमें क्या दिक्कत होती है कि आपको अगर जब लगाते हो तो ये मोटी लगती है आपके शरीर के ऊपर, ज़्यादा दिखता है। तो आप इसको थोड़ा आधा कर सकते हो, इसको आप कैंची से कट के आप इसे आधा कर सकते हो। इसको आधा करने से आपको इसमें से दो रेसेस हो जाएंगे। तो तब इसको जब आधे हो जाएंगे तो आप इसमें लगा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो और बैग यूज़ करते करते हमारे ये आ गए हमारे ये रिंग के बारे में। रिंग में हमारे बैग जो हैं लगाए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा फिर से बैग को, मैं निकाल रहा हूँ। और ये जब लगाते टाइम आपने ये रिंग स्टम में रखनी है आपके साथ में। आप एक लगाया हुआ है आप हमें एक रिंग पे लगा के रखो एनी टाइम के लिए जेब में, ताकि आपको कहीं पर अगर जा रहे हो तो दिक्कत आए लिफाफे, क्योंकि अब उतना तो सेफ्टी तो है नहीं। कहीं पर कुछ हो गया तो लिफाफा में कुछ छेद वेद हो गई तो दिक्कत हो गया, तो इसको आपने एक स्टम में लेना है साथ में, आपके पॉकेट में कहीं पर भी ले सकते हो। तो आप मैं ये लगा दिया हूँ, आप इसे नॉर्मली ऐसे लगा सकते हो, नॉर्मली लग गया, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर आप बैग लग गया, क्या दिक्कत होती है, आप इसमें जो दिए रहते हैं आप इस पे छोटे बड़े कर सकते हो, कितना हमको कितना हमारी कमर के हिसाब से, तो हमारे कमर के हिसाब से फिट कर लेंगे। और कुछ लोग को कमेंट आया था, मैं बता दे रहा हूँ, और स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। तो क्या दिक्कत होती है कि उनको कि अगर हम अगर मान लो ऐसे बेल्ट लगा लिया तो जो हमारा टूल है जो देख रहे हो ना ये तो ऐसे रहेगा, अगर ये जो हमारा टूल आएगा तो यहाँ पे इतने दूर में जो हमारे इतने दूर में हमारे जो टूल आते हैं उस पर, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो चिपकाने वाला होता है आपको बाथरूम वगैरह में जाके आपको जो हमारे यहाँ इतने दूर में जो भर गए हैं तो हमको उसको खाली करना होगा, नहीं तो यहाँ से लीकेज हो जाएगी। अगर यहाँ से लीकेज हो जाएगी तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि जो हमारे ये लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक ले भर चुका है, तो आप बाथरूम वगैरह में जाके अकेले में तो बैग खोल के आप इसे झटका तो 3 बार मार सकते हैं। अगर तो 3 बार झटका मारेंगे तो जो हमारा टूल है नीचे तक आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो आपके टूल जो है आधे से कम होगी तो आपको बैग चेंज करना है, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो बैग को फटने की शंका रहेगी। तो आप बैग आधा भर जाएगा तो आप बैग चेंज कर लेना है, क्योंकि बैग हैवी हो जाएगी और बैग में लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी और जो और बहुत तमाम सारी यहाँ दिक्कतें आएंगी, ताकि इसलिए कि हम बैग ताकि अपने टाइम टू टाइम चेंज करते रहें ऐसा है। तो आपको मैं समझा सकता हूँ कि कुछ लोग को बोलते हैं लीकेज प्रॉब्लम होगी तो आपको यही रूल करना होगा। आपको जब बैग लगा रहे हो तो बैग लगाते हो तो जब आपको ऐसा लगे कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि भर चुका है, तो भरने के बाद आप बाथरूम में बैग खोल के पूरा नॉर्मली शर्ट ऊपर करके आप इसे 2-3 बार ऐसे झटके मार देंगे, झटके समझ रहे हो ना, तो झटके मार देंगे मतलब इसको ऐसे 2-3 बार कर देंगे निकाल के, इसको पकड़ के रिंग तो है ना, रिंग को पकड़ के झटका मारना है, क्योंकि जो रिंग होता है ना कभी कभी मेरा ढीला हो जाता है, सबका ढीला हो जाएगा, तो जो रिंग है ना रिंग को पकड़ के हमको झटका मारना है, ताकि हमारा जो रिंग झटके में नीचे ना गिरे, नहीं तो जो हमारा टूल है और नीचे गिर जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको रिंग को पकड़ के करना है। ऑब्वियसली आपको अगर यहाँ से अगर आपको यहाँ पे जो हमारे टूल्स होते हैं अगर लीकेज हो रही है तो आप इसे चेंज कर सकते हो, धुल सकते हो, धुल के आप धूप में डाल सकते हो। अगर हमारा बैग ज़्यादा गंदा हो चुका है तो आप इसे धुल के बाहर डाल सकते हो। रिंग को हमको नहीं फेंकना है, रिंग को हमको बचा के रखना है। और अगर आप आपका बैग ये जो यहाँ चिपकने वाला होता है, तो यहाँ जो चिपकने वाले होते हैं, अगर आपका जो चिपकने वाला कभी कभी क्या होता है कि कम चिपकता है, तो आप यहाँ से कुछ दूसरा बटन लगवा सकते हो। अगर आपको पास दूसरा लेने की बैग है तो आप दूसरा यूज कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा चिपकने वाला कुछ दिन तक महीनों तक अच्छा चलता है, महीने के बाद फिर थोड़ा इसमें जो चिपकने वाला होता है कम हो जाती है। तो और इसमें क्या ख़राबी आती है, ये हमारा वाइट वाला जो होता है कभी कभी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पीले हो जाते हैं टूल की वजह से। तो हमको इसको अगर ख़राब हो गई हो तो क्या करना है, ख़राब हो गई हो तो आपको साड़ी की दुकान पे आप जब नई साड़ियाँ लेते हैं घर में, तो साड़ी के साथ में आपको एक वाइट जैसे कुछ मिलता है, तो आप इसके साइज में कट करके उसे 2-3 लेयर में ले सकते हो, उसको यूज में ले सकते हो। और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और ये नॉर्मली है। आपको इसमें कोई बैरियर क्रीम, कोई पाउडर, कोई कुछ नहीं यूज़ करना है। नहाते वक्त आप इसे उतार के भी नहा सकते हो, और आपको टिश्यू पेपर लेना पड़ेगा। और हम नहाते वक्त क्या होता है कि
कि जो हमारे टूल्स से आने लगते हैं, तो आपको टिश्यू पेपर एनी टाइम अपने पास रखना है नहाने वक्त, अगर ये बैग यूज़ कर रहे हो तो नहाते वक्त बैग यूज़ रख के आप नहा रहे हो, अगर नहाते टाइम बैग तो उतार चुके हैं तो अगर नहाते टाइम आपको टूल आ रहा है तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो। टिश्यू पेपर को जो हमारे स्टोमक के ऊपर आप कुछ टिश्यू पेपर रख के आप कुछ उस पर पट्टी द्वारा बांध दीजिए साइड से दोनों तरफ, तो आप कहीं भी नहा सकते हो, टैंकी में आप कहीं भी नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप। लेकिन उसके ऊपर से हम उसके ऊपर हमको कुछ टिश्यू पेपर रख के या कॉटन रख के उसके ऊपर हमको कुछ कपड़े जैसा पट्टी बांधनी होगी, तो आप कहीं भी नहा सकते हो, बाहर भी नहा सकते हो, अपनी जो बनियान होती है उसको पहन के। मैं भी वही सेम रूल अपनाता हूँ। तो मेरी कुछ अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ साथ साथ में इसके। तो ये हमारा बैग तो कम्प्लीट हो गया, आप सारे में इसका समझा तो दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे अंदर जो गैसेज होती हैं, अगर आप ये यूज़ करोगे ना तो आपके 100% है 100 में से 25% आपकी गैसें कम हो जाएगी, आपको गैसें आना बंद हो जाएगी, क्योंकि जो आपका स्टोमा है एनी टाइम खुला पाएगा तो खुला हवा लेगा तो गैसें नहीं होंगी। तो बैग आता है 200-250 रुपये का छिपाने वाला होता है साइड में, उसमें क्या रहता है कि हमारे 1-15 दिन तो वैसे चिपके रहते हैं हमारे बॉडी पे, तो आपको गर्मी में तो दिक्कत तो होती होगी, एंड उसके साथ साथ में स्मेलिंग थोड़ी थोड़ी हमारी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, ख़ुद को फील नहीं होता अच्छा कि हम कंफर्टेबल हैं। तो आप इसे उसको आपको 5-6 दिन में फेंकना पड़ेगा, और इसको आप 200 रुपये का 296 रुपये का लेंगे तो आपको इसको फेंकना नहीं पड़ेगा, और आप इसे 2-3 महीने तो आप यूज कर सकते हो। 2 महीने बहुत होते हैं, तो 300 रुपये खर्चा कर रहे हो 2 महीने चला रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं बताऊंगा कि इसके बारे में तो मैं बता दिया, क्योंकि ये बहुत फिट है यार, इतना मस्त है क्या प्रोडक्ट है, मैं तो इसको पर अच्छा फील करता हूँ कि मेरे साथ साथ ये प्रोडक्ट है तो हमारी लाइफ अच्छी बिट जाएगी, तो अच्छा है। आप धुल के इसे सुखवा भी सकते हो। और मैं एंड अब दूसरा बारे में बताऊँगा, अब गैस 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 तो होगी नहीं, गैस तो अगर होगी भी ना इसलिए आराम से होगी, और इसमें स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। 1% वाटर आप ज़्यादा पियो, क्योंकि दिन में अगर वाटर 2 लीटर पी रहे हो 1.5 लीटर पी रहे हो तो आपकी जो गैसें होती है थोड़ा इसमें स्मेल कम होती है, स्मेल कम आती है, तो आप पानी ज़्यादा पियो। मैं बैग के बारे में बता दूँगा, अब मैं बताऊँगा कि बैग पानी ऐसे हमारा रोमसन कोलो बैग है, तो इसमें हम बताएंगे कि रोमसन कोलो बैग इसको पार्टी के लिए हम करते हैं, कहीं पे पार्टी पे जा रहे हैं तो हमको क्या होता है फिटिंग कपड़े पहनना, क्योंकि रोमसन तो हमारा जो है अगर फिटिंग कपड़े पहनेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो किट है तो थोड़ा दिखेगा पेट पे है कुछ लगा है तो अच्छा नहीं लगता है, कि कहीं पे पार्टी पे जा रहे हो आपके जो स्लिम पैंट है कहीं पे खुला और उभरा दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ साथ में कोलो बैग के बारे में बताएंगे, कोलो बैग के बारे में और इस पे एम आर पी है 377 377 रुपये। और ये 10 का बैग आता है, 10 इसमें से 10 पीसेस बैग हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कोलोस्ट में क्लोजेस सिस्टम, क्लो बैग क्लोजेस है, आप इसे पार्टी में यूज कर सकते हो, बिल्कुल पार्टी में कहीं पे जा रहे हो बाहर धूप में, धूप के अलावा धूप में अगर जाओगे तो आपके ऊपर पसीना होगा, क्योंकि इसमें जो चिपकाने वाला जो हमारा पट्टी रहता है थोड़ा कम रहता है, तो धूप में जाओगे तो पसीने के कारण छोड़ ही सकता है, तो आप उसे 2-3-4-5 घंटे 6-10 घंटे यूज कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा जो है पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर, इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो इसमें भी हमको दिखाया गया है रोमसन कोल किट के द्वारा, इसमें धूप में नहीं जाना है एंड बारिश में नहीं जाना है, और
बहुत सारे दो तीन दिए लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या दिए। सिंगल यूज करना है आपको इसको, सिर्फ एक ही यूज़ करना है इनका स्ट्रॉन्ग इन कोल्ड टाइप है। आपको इसको सिर्फ ठंडे जगह पे रहना है ड्राई, अगर आप गर्म जगह पे रहोगे तो आपका जो चिपकने वाला होता है उखड़ जाएगा। और सॉफ्ट ऑन इसमें अगर आपके जो बैग यूज़ कर रहे हो अगर आपको जो रेड रेड आ जाते हैं अगर उसको हटाना है तो नॉर्मली 10 घंटे के लिए यूज कर सकते हो। आई होप आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा क्वालिटी नहीं दी गई है लमसम के जैसे और किट के जैसा। तो ये हमारा ये बैग हो गया, ये अगर आप फ्लिपकार्ट पे भी इसको ले सकते हो, फ्लिपकार्ट पे मैं मार्केट नहीं बता सकता हूँ कितने का लगभग उतना ही होगा 350-400 का। तो ये प्रति एक बैग 25 रुपये का आता है। तो आप इसमें यहाँ जो है हमारे स्टोमा का जो साइज़ दिया गया है स्टोमा का साइज आप अपने स्टोमा के साइज से आप कट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको और दिए गए हैं और स्टिकर जैसा लेकिन आपको स्टोमा के जैसे ऐसे चिपका लेना है आपको, तो कुछ टाइम के लिए 10 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, तो कोई जगह पे हैं तो ज़्यादा चलेगा, अगर फिर जगह गर्मी जैसी जगह पे है तो कम चलेगा क्योंकि जो हमारा ये चिपकने वाला होता है थोड़ा कम रहता है तो गर्मी की वजह से थोड़ा इसमें भी जाने लगेगा और छोड़ देगा। तो आगे चलते हैं, बताते हैं को अभी इसमें से तो आप जान चुके होंगे जैसे क्या करना है इसको के बारे में बता दिए, इसको पार्टी के बारे में यूज़ करना है, एनी टाइम के लिए नहीं यूज़ करना है। अगर नए टाइम के लिए यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा मतलब 25 रुपये का एक बैग आता है तो आपको एक दिन में 20-25 रुपये थोड़ा बात लगेंगे, इसलिए ये हो गया। तो आपके आपका अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्लॉक ब्लास्ट बैग जो होता है उसके बारे में बताऊंगा, क्लॉक ब्लास्ट बैरियर क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह जो आपको उसमें हम बताऊंगा कि हमको कैसे क्या करना है उसमें। और मैं यूज करूँ मैं तो ही क्लोस्ट मीर ऑप्शन के लिए यूज़ करता हूँ टाइम के लिए, मैं कहीं पर भी जाता होता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं वही यूज़ करता हूँ। और उसमें क्या रहता है कि थोड़ा दिक्कतें आती हैं हमको जब अगर बैग भारी मतलब चेंज करना है तो हमको जो बैग होते हैं ना हमको फेंकना पड़ता है तो मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि यार काम। तो आपको निश्चिंत रहना है आपके अपने टाइम पे एनी टाइम के लिए आपको ये जो रमसम कोलो बैग बताया ये रखना है और उसके बाद आपको ये जो पीछे बैग आता है उसको रखना है, अपने उसमें सारे टूल्स रखने हैं भाई। तो आप तो आपको बैग लगा है तो आपको एनी टाइम के लिए अपने टूल्स रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी का टूल्स मतलब पूरा बॉडी तुम्हारा टूल हो गया तो एनी टाइम के लिए आप बैग में रखना है। तो अगर क्लॉक ब्लास्ट बैग यूज़ कर रहे हो आपको बैरियर क्रीम और पेस्ट पाउडर एनी टाइम के लिए आपको रखना है, कहीं अगर जा रहे हो तो आपको उसको चेंज करना ही होगा क्योंकि बिल्कुल के लिए नहीं रह सकते हैं। तो किट के बारे में बताऊंगा तो किट में ज़्यादा कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको, किट में आपको एक किट एक्स्ट्रा में लेनी पड़ेगी अगर आप कहीं पे जा रहे हो 5-6 दिन 1 हफ्ते 10 दिन महीने के लिए, तो किट को आपको एक किट को आपने यूज कर रहे हो एक किट आप धुल के डाल दिए हो सूख रहा है धूप में नहीं कहीं पर सूखने के लिए क्योंकि प्लास्टिक होता है वो 2-3-4 घंटे में सूख जाएगा। तो आप सूखने के बाद 2-3 दिन बाद आप चेंज कर लो उसको थोड़ी को उसको इससे आप करके और ठीक रहेगा सब मस्त और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं जैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको रमसम किट यूज़ कर रहे हो तो लीकेज आपको नहीं होगी, अगर आपका टूल जो है एकदम सॉफ्ट आ रहा है तो मतलब तो आपको लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका जो टूल सोते हैं अगर सॉफ्ट नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा लिक्विड टाइप में आ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि उसमें चिपकाने वाला नहीं होता है। तो
आप उसे थोड़ा उस साइड साइड में आप बैरियर क्रीम लगा सकते हो, जो पेस्ट आता है ब्लू कलर का बॉक्स में, आप उसे लगा सकते हो। उससे आपकी क्या रहेगी कि आपकी जो पोल्स कैट जो होती है उसके थम जाएगा, तो आपकी जो लिफाफे है लिफाफे में जाएगा टू, तो दिक्कत नहीं होगी। एंड में कभी क्या होता है कि हमारा जो हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो उल्टा सीधा खाने के वजह से जो हमारा पेट है थोड़ा लुकर टाइप में हो जाता है, जो हमारी टूल्स होते हैं लुकर टाइप में लगते हैं, तो हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे कि ये चीज़ करना पड़ेगा, अभी तो वीडियो लंबी हो जाती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि मैं खान पान कैसे रखता हूँ, और जब मेरा पेट ख़राब हो जाता है तो मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ, और मैं खाता क्या हूँ, जो फिट रहता हूँ। आज के टाइम पे भी मैं फिट था, अभी मैं फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ऐसा करता हूँ मैं आप अच्छे अनुभव में लिया हूँ अपना, और कोलेस्ट्रॉल किट के बारे में फॉलो बैक के बारे में अच्छे ही बताया हूँ, तो उसके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं हैं कि आप भी यूज करो, उससे अच्छा है बेटर हो। अगर आप कोलेस्ट्रॉल रमसम किट मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के चैनल पर आ सकते हो, यहाँ पे मेरा जो नंबर है यहाँ पे लिखा है, और अगर आपको कुछ पर्सनल अगर आपको व्हाट्सएप पे नहीं आना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आ सकते हो, ऊपर लिंक दिया नाम दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे और अनुमति दे सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हमसे हेल्प ले सकते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम